आज की वीडियो में हम एक कमाल के टॉपिक पे बात करेंगे कि सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद जॉब कैसे पाएं या जॉब कैसे लें। इस पूरे वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। और फर्स्ट टाइम अगर पॉलिटेक्निक अड्डा चैनल पे आए तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि इस तरह से ही पॉलिटेक्निक से रिलेटेड वीडियो, सिर्फ पॉलिटेक्निक से रिलेटेड वीडियो इस चैनल पे आपको मिलती रहेंगी। तो चलिए बात करते हैं कि अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग किया है तो किस तरह से जॉब लें। देखो, सिविल इंजीनियरिंग अगर आप किया है ना, तो सबसे पहले मैं बताऊंगा, फ्रेशर लेवल पे पॉलिटेक्निक बात करूंगा, सिविल में जॉब एक साल तो आपको समझ लो जॉब नहीं मिलती। उस जॉब का नाम कुछ और है। उस जॉब का नाम मैं आपको बताऊंगा कि क्या है। सबसे पहले मैं बता दूं, जो लोग सिविल इंजीनियर कर रहे हैं ना, वो थोड़ा अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाओ कि हाँ, अभी सिविल की मार्केट उठ रही है। ऐसा नहीं है, सिविल की मार्केट कोरोना में इस तरह से दब गई थी, लेकिन अब मार्केट यूं करके उठ रही है और बहुत ही तेजी से उठ रही है। जॉब अपॉर्चुनिटी भी उतनी तेजी से उठेगी जब मार्केट उठेगी तो। लेकिन देखो, एक चीज है, सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद सबसे बड़ी बात मैं बता दूं ना, कि आपके माइंडसेट में ये बात होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद, कि सिविल के बाद आपको अप्रेंटिस करना बड़ा जरूरी होता है। सिविल एक ऐसी ब्रांच है, एक ऐसा ट्रेड है सिविल इंजीनियरिंग, जिसमें अप्रेंटिस बहुत मैंडेटरी होता है, अप्रेंटिस बहुत जरूरी होता है। जब तक आप अप्रेंटिस नहीं करोगे, जब तक आप अप्रेंटिस के थ्रू नहीं गुजरोगे, तब तक आप एक प्रॉपर सिविल इंजीनियर नहीं बन सकते। आपको एक साल किसी के अंडर में रह के काम करना पड़ेगा। एग्जांपल मैं दे दूं, क्यों मैं बोल रहा हूं कि सबसे पहली बात, देखो सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हो, आपको एक बिल्डिंग बनानी, एक मॉल बनाना है, अरबों रुपए खर्चा होते हैं एक मॉल बनाने में। तो एक डिप्लोमा होल्डर्स का उसमें रोल यही होता है कि वो समझे कि पॉलिटेक्निक के बाद कितना रॉ मटेरियल लगेगा, कितने बिम पड़ेंगे, कितने सारी टेक्निकल चीज़ें होती हैं उसमें, मैकेनिज्म क्या है घर बनने का, उसका डिज़ाइनिंग क्या होगा, डिज़ाइनिंग से पहले पूरा कहाँ बाथरूम होगा, कहाँ चीज़ें लगाई जाएंगी, सारा प्रॉपर एक सिविल इंजीनियर को आना चाहिए। एक 1000 स्क्वायर फुट 2000 स्क्वायर फुट का घर बनने में कितना पैसा खर्च होता है, कितना मटेरियल लगेगा, ये एक्सपीरियंस के साथ ही आप समझ पाओगे। एक दिन में आप नहीं सीख पाओगे, ये सारी चीज़ें बिना एक्सपीरियंस के आपको नहीं आ पाएगी। तो जो लोग भी पॉलिटेक्निक कर रहे हो ना, तो सबसे पहले आप ट्राई करो कि आपको अप्रेंटिस मिल जाए। सिविल इंजीनियरिंग में अप्रेंटिस करना बहुत ज़रूरी है। अप्रेंटिस भी करने के लिए देखो, आपको कंपनी ढूंढनी पड़ेगी। सबसे पहले अपना एक रिज्यूमे बनाओ, अच्छा सा रिज्यूमे बनाओ। रिज्यूमे बना करके उसमें अपना पोर्टफोलियो अपडेट करो, और उसमें ये बताओ कि अपने जो फाइनल ईयर में जो प्रोजेक्ट्स पे काम किया वो भी मेंशन करो। अपनी ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर बहुत अच्छे तरीके से मेंशन करो। जब सारी चीज़ें आप मेंशन कर दोगे, सारी चीज़ें सही से कर दोगे, उसका जॉब की जितनी भी पोर्टल है, चाहे वो लिंक्डइन हो, चाहे नौकरी हो, इंडीड जॉब्स हो, बहुत सारी जगहों पर जितनी नौकरी की नई नई पोर्टल्स भी आगे, सब जगह अपडेट करो। लेकिन हाँ, याद रहे, ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर क्लियरली मेंशन होना चाहिए। सिविल की बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, चाहे वो सुपर टेक जैसी कंपनियां हो या कोई और हो, ऑब्वियसली वहां पे ह्यूज अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, करियर ग्रोथ बहुत ज्यादा है इन फील्ड्स में। तो ऑब्वियसली आपको पहले सीखना पड़ेगा, सीखने के बाद फिर आप हाई पेड सैलरी जॉब पे जा सकते हो। और जॉब मार्केट में आ रही है, धीरे धीरे सिविल की मार्केट बढ़ रही है, तो जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ रही है। जो लोग ये सोच रहे होंगे कि सिविल की मार्केट ध्वस्त हो गई, अब कभी उठेगी नहीं, ये है वो है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिविल इंजीनियरिंग एवरग्रीन इंजीनियरिंग था, लेकिन कोरोना ने उसको थोड़ा सा कमर तोड़ा था, लेकिन ऐसा नहीं है कि अभी मार्केट धीरे धीरे फिर से पिक कर रही है। तो उसमें आपको समझना पड़ेगा कि इस तरह से आप जॉब ले, अपने प्रोफेशनल लेवल, प्रोफेशनल स्किल का जॉब यूज करना पड़ेगा। कोई आपको 4000 5000 10000 जितना भी दे दे, आप इंटर्नशिप करो, काम सीखो, काम सीखोगे तभी तो प्राइवेट इंडस्ट्री में जॉब मिलेगी। पैसे की कोई कमी नहीं है प्राइवेट इंडस्ट्री में सिविल इंजीनियर के लिए। गवर्नमेंट जॉब में चले गए तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, लेकिन अगर प्राइवेट इंडस्ट्री में आपको रहना है पॉलिटेक्निक करने के बाद, तो आपके लिए ह्यूज अपॉर्चुनिटी है। बहुत पैसे हैं, इतने पैसे हैं कि आप सोच नहीं सकते हो। लेकिन हाँ, स्टेप बाय स्टेप यहां नॉलेज का ही पैसा मिलता है। प्राइवेट इंडस्ट्री नॉलेज बेस्ड है, तो आपको नॉलेज बेस्ड ही पैसा मिलेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप सोच लोगे, अरे सर ऐसे हो जाएगा, ठीक है मैं कर लूंगा, इट्स ओके। बी प्रोफेशनल, और जब प्रोफेशनल लाइन में आप जाओगे तो प्रोफेशनल तरीके से सोचना पड़ेगा, और चीजें भी उसी तरह से निकल के आएंगी, और उसका आप एक सही आउटपुट और सही यूटिलाइजेशन करेंगे, तभी जाकर के लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। तो बस वीडियो में इतना ही। होप गाइस वीडियो आपको समझ में आएगी। और जो लोग टेलीग्राम पे हो ना, पॉलिटेक्निक अड्डा चैनल टेलीग्राम पे भी है, चैनल सब्सक्राइब कर ले, वहां पे भी जाके ज्वाइन कर ले। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। बस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।